सो हेलो एंड वेलकम भाई लोग, कैसे हो सभी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वर्ल्ड वॉर में 100 रुपये 150 रुपीज गेम ट्रिक। मैं आज आप लोग को बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप लोग को करना है फुल वॉच। कंटिन्यूअसली आप लोग का हर एक गेम विन होने वाला है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर देना है। और जैसे कि मेरे सारे वीडियोज में गिवे रहता है, वैसे इस वीडियो में भी आप लोग को मिलने वाला है पूरा 300 रुपीज का गिवे। गिवे बनने के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो जल्दी से, वहीं पर आप लोग को गिवे मिलेगा। कैसे आप लोग गिवे बन सकते हो वहीं पर आप लोग को पता चल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। कार्ड को आप लोग को कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, 100 रुपीज और 150 रुपीज के गेम के ट्रिक में, दोनों का ही 100 रुपये 150 रुपीज गेम ट्रिक में आप लोग को बताऊंगा। दोनों का इस गेम एक ही जैसा चलता है, आप लोगों को मैं एक ट्रिक आप लोगों को बता दूंगा जो आप लोग दोनों गेम में एकदम 100% वर्किंग है। यहाँ पर मैंने एक गेम में एंटर किया जिसमें गाइस टोटल प्लेयर का डिफरेंस 50% है, मतलब प्रॉपर 50 टोटल प्लेयर का डिफरेंस और 50% का डिफरेंस। तो मैंने यहाँ पर गाइस रिस्क कार्ड को कर लिया, इसलिए रिस्क कार्ड यहाँ पर विन कर चुका है, 295 रुपये का विनिंग आ चुका है मेरा यहाँ पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से आप लोग एक कमेंट कर दो, क्योंकि जो जो भी कमेंट करते हैं गाइस सारे कमेंट सेलेक्ट हो जाते हैं जब विनर अनाउंस होता है तब। अभी के टाइम में बात करें तो यहाँ पर मेरा टोटल पेयर है 50, उन लोगों का है 100। जैसा मैंने एंटर किया था उस टाइम का टोटल पेयर अभी भी है गाइस यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। जो टोटल पेयर का डिफरेंस रहता है वो मेन चीज होता है गाइस, और टोटल पेयर दोनों आप लोगों को देखना है, क्योंकि ये गेम जो है गाइस 100 रुपीज 150 रुपीज का गेम है। ये इसमें सारा खेल डिफरेंस और टोटल पेयर का होता है, बाकी चीजें आप लोगों को नहीं देखना है। आप लोगों को ये देखना है कि टोटल पेयर का डिफरेंस, और यहाँ पर जो होता है गाइस 100 रुपये का गेम कब रिक्स कार्ड पर विनिंग कर दिया गाइस इसका कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए आप लोगों को दो चीज हमेशा याद रखना है कि रिक्स कार्ड और सेफ कार्ड दोनों चीज में आप लोगों को दो चीज हमेशा याद रखना है कि डिफरेंस को आप लोग अच्छे से समझना है, तब आप लोग गाइस हर एक गेम विन कर सकते हो। अभी के टाइम में बात करें तो यहाँ पर गाइस 100 रुपये का गेम आ चुका है। यहाँ पर नीचे में जो गेम है स्नेक रस का, इस और उसके ऊपर गाइस एक गेम है गाइस जिसमें मैं एंटर करने वाला हूँ अभी के टाइम में। और इसमें भी मैं यही बताऊंगा कि आप लोगों को डिफरेंस जो है और टोटल पेयर, टोटल पेयर के हिसाब से अगर डिफरेंस आता है, जैसे कि किसी साइड में 50 टोटल पेयर है तो उन लोगों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 से 15 टोटल पेयर का डिफरेंस होना चाहिए, तब आप लोग रिस्क कार्ड को सेलेक्ट करोगे। और अगर उससे ज़्यादा का होता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऐसे आप लोग को समझना है। मतलब यहाँ पर जैसे कि एक साइड में 47, एक साइड में एक, तो ऐसे जगह पर ना ही टोटल पेयर देखना है ना ही डिफरेंस, फटाक से देख के आप लोगों को पता चल जाएगा। तो फटाक से आप लोगों को इसमें सेव कार्ड को करना है सेलेक्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर लिया है। ऐसे टाइम आप लोग सेव कार्ड को सेट करो बिना कुछ देखे हो, मेरा यहाँ पर 94 रुपये का विनिंग आ चुका है टोटल पर। और डिफरेंस यहाँ पर क्या ही बात करें, दोनों का एकदम मतलब किसमें क्या ही इसमें बोले आप लोगों को, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस और ना ही टोटल पर। ऐसा जगह पर कुछ भी नहीं देखना है, फटाक से करना है सेव कार्ड को सिलेक्ट। बट ऐसा सिचुएशन हर बार नहीं होता है, तो आप लोग को मैं बता दूँ हमेशा डिफरेंस देखना है, डिफरेंस और टोटल पर देखना है कि टोटल पर कितना। जैसे आप लोग एंटर करते हो सबसे पहले आप लोग को डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है, टोटल पर पता चल जाएगा, डिफरेंस भी आप लोग देख के पता चल जाएगा। और नहीं अगर पता चलता है तो आप लोग को ये देखना है ज़्यादा है या कम है, ठीक है। अगर आप लोग को ज़्यादा लगता है, जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पर ज्यादा टोटल पे का डिफरेंस है, तो मैंने सेव कार्ड को कर लिया सेलेक्ट। अगर यहाँ पर मतलब यहाँ पर तो बहुत ज्यादा टोटल पे का डिफरेंस है, यहाँ पर देखने में मुझे दोनों लग गया कि यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, टोटल पे भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मैंने फटाक से किया सेव कार्ड को सेलेक्ट और सेव कार्ड यहाँ पर विन कर चुका है। 103 रुपये का विनिंग आ चुका है, माइंड रनर का गेम था। अभी के टाइम में टोटल पे की बात करें तो सेम टोटल पे अभी भी है, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस सेफ गार्ड में ही हुआ है, रिक्स कार्ड को और किसी ने अभी सेलेक्ट नहीं किया। तो फिर से मैं गेम में एंटर करता हूँ और आप लोगों को दो चीज में फिर से बता देता हूँ। जैसे आप लोग एंटर करते हो गेम में, ठीक है, मेन पॉइंट आप लोग का वहीं पर होता है। जैसे आप लोगों ने एंटर किया और आप लोगों का कार्ड्स पर दिखता है गाइज कि टोटल पेयर का डिफरेंस कम है, ठीक है, जैसे आप लोग एंटर करते हो देखते हो कम टोटल पेयर का डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस काफी कम है, तब आप लोगों ने फटाक से कर लिया रिक्स कार्ड को सिलेक्ट। जैसे मैं यहाँ पर और एक गेम एंटर करके आप लोग को दिखा देता हूँ। चलो इस गेम में हम लोग एंटर कर लेते हैं, 150 रुपीज का गेम है। जैसे मैंने यहाँ पर एंटर किया गाइज यहाँ पर 26 एक साइड में 60 का टोटल पेयर का डिफरेंस है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर फटाक से किया सेव कार्ड को कर लिया सेलेक्ट, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस जो है टोटल पेयर के हिसाब से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, मतलब यहाँ पर 50% का डिफरेंस है और 50% के डिफरेंस पे गाइस टोटल पेयर ज्यादा होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। ये चीज आप लोग हमेशा याद रखना है, अगर गाइस 50% का डिफरेंस है तो आप लोग को टोटल पेयर भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, तब आप लोग वहाँ पर रिक्स कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हो। अभी के टाइम में मेरा हो चुका 34, सॉरी उन लोगों का हो चुका 34, हम लोग का 75 डिफरेंस अभी के टाइम बहुत कम है। 167 का हम लोग का विनिंग आ चुका है 167 रुपये का। जब भी आप लोग गेम एंटर करते हो तो आप लोग को वही चीज़ देखना है कि टोटल पे का डिफरेंस अगर मतलब कम है तभी आप लोग को रिस्क लेना है, अगर थोड़ा ज़्यादा है तो आप लोग को मतलब जैसे कि 25% के अंदर है तब आप लोग को फटाक से रिक्स कार्ड को सिलेक्ट करना है। अगर 25% से ज़्यादा है तब भी आप लोग रिक्स कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, बट टोटल पे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। और अगर 50% है तब आप लोग को देखना है कि टोटल पे ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पर गाइस अभी के टाइम में मैंने धोनी को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ना के बराबर टोटल पे का डिफरेंस रहता है गाइस, ठीक है, ना के बराबर टोटल पे का डिफरेंस, जैसे कि यहाँ पर एक साइड में 59 का, एक साइड में 61 का, दो टोटल पे का डिफरेंस था, टोटल पे यहाँ पर ज्यादा है, तो ये जो दो टोटल पे का डिफरेंस यहाँ पर ना के डिफरेंस का आप लोग मान सकते हैं यहाँ पर कि डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। तो उस टाइम आप लोग जो कार्ड विन कर रहा है उस कार्ड को आप लोगों को सिलेक्ट करना, चाहे रिक्स या फिर सेव, जो भी कार्ड विन करे आप लोग उसी कार्ड को सिलेक्ट करना, जो कि मैंने यहाँ पर किया है। और आप लोगों को जैसे कि पता है यहाँ पर आप लोगों को मैंने बोला है कि अगर डिफरेंस बहुत थोड़ा कम रहता है तब आप लोग रिक्स कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर बहुत ही कम था तो उतना कम पे भी रिक्स कार्ड या फिर सेव कार्ड नहीं देखना है। यहाँ पर जैसे कि 26 में 6 का टोटल पे का डिफरेंस है, मैंने यहाँ तो यहाँ पर रिक्स कार्ड को कर लिया सेलेक्ट। बट आप लोग यहाँ पर रिक्स कार्ड को तभी सिलेक्ट करना जब टोटल पेयर का डिफरेंस कम हो, साथ ही साथ टोटल पेयर भी कम हो और रिक्स कार्ड पर विनिंग दिखाए, ठीक है, टोटल पेयर का डिफरेंस भी कम हो, जैसे कि यहाँ पर टोटल पेयर के हिसाब से तो डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा है।
और यहाँ पर मैंने रिक्स कार्ड को सिलेक्ट कर लिया, 227 रुपये का विनिंग हो चुका है हम लोग का। देख सकते हो आप लोग के सामने मैंने अपनी ये वाला भी गेम विन कर लिया है। अभी का टाइम में टोटल पेयर की बात करते हैं, मेरा 21 उन लोगों का 32, डिफरेंस काफ़ी कम हो चुका है क्योंकि मेरा वाला जो टोटल पेयर वो काफ़ी एकदम हाई हो चुका है, मतलब ज़्यादा हो चुका है। उस टाइम मैंने 6 का टोटल पेयर था, अभी के टाइम 21 का हो चुका है। बहुत ज़्यादा लोगों ने इसी कार्ड को सिलेक्ट किया, बहुत ज़्यादा लोगों ने विन किया। अगर थोड़ा कम होता तो हम लोग और भी ज़्यादा विनिंग करवाता, ठीक है। ट्रिक को तो मैंने आप लोगों को पूरा समझा दिया है कि अगर जैसे ही आप लोग एंटर करते हो, अगर 25% के अंदर टोटल पे का डिफरेंस आता है तो आप लोग वहाँ पर इस कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है, और अगर उससे ज़्यादा होता है तब भी आप लोग कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अभी के टाइम में 25% क्या देखने में 10 टोटल पे का डिफरेंस है, तो यहाँ पर और कुछ देखना ही नहीं है। फटाक से मैंने क्या किया, रिस्क कार्ड को सिलेक्ट कर लिया, रिस्क कार्ड पर पर दोनों का टोटल पर एकदम सेम हो चुका है, तो यहाँ पर विनिंग भी करवाएगा। देख सकते हो यहाँ पर 190 रुपये का विनिंग हो चुका है। अब तक मैंने कंटिन्यूसली विन कर लिया आप लोग के सामने खेल कर, ट्रिक को मैंने पूरा आप लोगों को समझा दिया। तो आप लोग भी ऐसे ही खेल के कंटिन्यूसली आप लोग का विन होने वाला है, जैसे मैंने बोला ऐसे ऐसे करके आप लोग खेलोगे। तो अभी मैं फिर से एक गेम में एंटर कर लेता हूं जिसमें आप लोगों का पूरा कंफर्म हो जाए, और ट्रिक के हिसाब से मैं और एक गेम खेल लेता हूं, ठीक है। और 50% के डिफरेंस पर आप लोगों का रिस्क कार्ड पर विनिंग दिखाता है तो ही आप लोग रिस्क कार्ड को सिलेक्ट करना है। 21 में एक साइड में 27 का टोटल पेयर है, तो ऐसा जगह पर और कुछ देखना ही नहीं है, फटाक से आप लोगों से रिस्क कार्ड को सिलेक्ट करना है। रिस्क कार्ड पर यहां पर विनिंग हो जाएगा, डिफरेंस काफी कम था रिस्क कार्ड पर, इसलिए मैंने सिलेक्ट किया है। और यहां पर डिफरेंस इतना कम था कि रिस्क कार्ड यहां पर विन करेगा, तो रिस्क कार्ड तो यहां पर विन कर चुका है, 193 रुपये विनिंग हो चुका है। अच्छा खासा हम लोगों ने इस गेम में विनिंग कर लिया, दोनों का टोटल पेयर विकेट में सेम हो चुका है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला है ऐसे करके आप लोग को खेलना है, आप लोग का हर एक गेम कंटिन्यूसली विन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी सेलेक्ट कर देना, क्योंकि मैं डेली ऐसे ही न्यू आप लोगों को ट्रिक्स बताता रहता हूं। और अगर आप लोगों को गिवे विनर बनना है तो जल्दी से आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, क्योंकि टेलीग्राम पर आप लोगों को डेली गिवे मिलता है। साथ ही साथ कैसे आप लोग विनर बन सकते हो पूरा इन्फॉर्मेशन जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, तो जल्दी से वहां पर आप लोग ज्वाइन हो जाओ। डेली मैं टेलीग्राम पर लाइव आता हूं आप लोग को लॉस कवर करवाने के लिए, मैं डेली टेलीग्राम पर लाइव आता हूं। मेरे साथ अगर आप लोग खेलोगे तो आप लोग का बहुत सारा विन एंड प्रॉफिट होने वाला है। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, इन्फॉर्मेशन गाइस लाइव और गिवे का मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही है, तो जल्दी से वहां पर आप लोग ज्वाइन हो जाओ, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन हो जाओ। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।